थाना में आप लग रहा है दूसरी बार गई हैं, महिला थाना क्या रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि महिला थाना अब कुछ कर पाएगी, क्योंकि फिर से 4 मार्च का डेट दे दी है, जबकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। लड़का लगातार झूठ बोल रहा है, तो लड़का को हम प्रेशर देंगे ना कि तुम अंधे थे क्या जो आज बोल रहा है कि इसका पहले से शादी हो गया है, इसकी एक बेटी है, तो तुम अंधे नहीं थे ना जो शादी किए, तुम बोल रहा है जबरदस्ती कैसे शादी कोई कर सकता है किसी से, बंदूक रख के तो शादी नहीं किए थे। आपकी शादी हुई थी क्या, वो डाइवोर्स हो चुका है? डाइवोर्स कौन से हुआ था? कोर्ट से डाइवोर्स नहीं हुआ था, वो पेपर मनीष देख के ही शादी किए थे, सारा कुछ जानकर शादी किए थे, और उनका मानना था कि हम मेरा फैमिली छोड़ दे या फिर हमको रखे उससे मैटर नहीं है, अगर रखेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उनसे रिश्ता तोड़ के आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर। आज 19 तारीख को महिला थाना में रेड था नंदिनी के केस का, तो उसमें हम लोग गए थे, लड़का भी आया था मनीष कुमार, उसके भाई वगैरह भी आए थे। लड़का यही बोला कि हम तुमसे शादी नहीं किए थे, तुम मेरे यहाँ खाना बनाती थी और हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, चाहे तुम जो कर लो, तुमको जहाँ भी जाना है जाओ। तो ये बोली कि फोटोग्राफ्स वगैरह शादी का था ही, जो प्रूफ था वहाँ दिखाया गया वो देख करके, और वहाँ महिला थाना की जो अधिकारी थी वो ये बात बोली कि वो ये तुम बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, वो तो क्लियर तुम्हारा फोटोग्राफ्स वगैरह कह रहा है कि तुम क्या किए हो। तुमको 4 तक डेट देते हैं, नेक्स्ट डेट पड़ा 4 को, 4 तक के बीच में तुम समझौता करो, नहीं तो फिर अगली कार्रवाई हम करेंगे, तो ये नहीं कहना कि सोचने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद वो लोग चले और हम लोग आ गए, हम लोग 4 का वेट करते हैं, 4 को क्या होता, नहीं तो फिर अंततः जो भी होगा ताना घराव जो करना होगा महिला मोर्चा की लोग करेगी, और नंदिनी को तो इंसाफ मिलेगा ही। अपना नाम बता दीजिए। रश्मि श्रीवास्तव।